व्यूअर्स, इस वक्त जो है मैं कीमा और शिमला मिर्च बनाने लगी हूँ। तो ये है कि शिमला मिर्च मैंने ले ली है, एक टमाटर, एक प्याज और लहसुन लिया है, अदरक भी रखा है, और साथ ही मैंने प्याज को मैंने काट के रख लिया है। और सारी चीज़ों की कटिंग आस्ता आस्ता कर रही हूँ। पहले मैंने प्याज काटा, लहसुन भी मैंने अब काट के रख लिया, अब इसको बारीक बारीक में कट करूँगी। मैंने टमाटर भी इसको काट के रख लिया है, ये जी अदरक भी मैंने काट के रख लिया जी। कीमा जो मैं अभी डीप फ्रीज कर चुकी हूँ, और अब इसको मैं ऐड करूँगी कुकर के अंदर। कुकर के अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया और साथ ही कीमा भी डाल के अंदर। सारे के सारे जो है मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक बिल्कुल बारीक काट के रखा है, और अब मैं फाइनली इसको कुकर के अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, इसको बनाने में सिर्फ आपको भुनाई का मेन है, क्योंकि अभी तो देखिए मैं इसमें मसाले डाल के ना सारे कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी, और उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगा तो ये तकरीबन 25 से 30 मिनट लेता है, क्योंकि अभी तो मटन है इसलिए थोड़ा टाइम तो लेता ही है। तो 25 से 30 मिनट में प्रॉपर गल जाएगा और ये इतना प्यारा सा बन जाएगा ना, उसके बाद सिर्फ भुनाई हमने करनी होगी, वो भी 15 से 15 मिनट, तकरीबन 10-15 मिनट इतने हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो जाता है, तो ये बहुत जल्दी चीज़ रेडी होती है, ये जो रेसिपी ये बहुत जल्दी रेडी होती है, तो इसको मस्त आप ट्राई करें जी। बस सबसे पहले मैं एक ये काली इलायची जो है ये इसमें डालूंगी, ताकि जो इसके अंदर से अगर कोई स्मेल होती है ना कीमे की, वो ना आए। वैसे तो अदरक भी इसी काम के लिए यूज़ होता है कि गैस भी ना करे और स्मेल भी ना आए। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाली, पिंच ऑफ हल्दी, क्योंकि ज़्यादा अगर हल्दी डालेंगे तो थोड़ा कड़वाहट आ जाती है। आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च चाहिए, दाड़ा मिर्च बिल्कुल पिंच चाहिए, बिल्कुल चुटकी चाहिए इसमें, ज्यादा नहीं। ये है कोरिएंडर पाउडर, जो जिसको हम कहते हैं ये धनिया का पाउडर। नमक भी आधे से कम जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती है ना, कीमे की क्वांटिटी कम है। काली मिर्च भी देखिए बिल्कुल थोड़ी सी डाली मैंने। उजीना भी आधा चम्मच जाएगा। ये देखें, बस ये कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये जी कुकर के ढक्कन को पहले सीटी देनी है, उसके बाद जो है ना इसको बंद करना है, थोड़ा जोर लगा। ये जी, अब मैं इसकी कीमे की जो है ना बनाई कर रही हूँ, ये गल चुका है और कुकर खोला तो इस फॉर्म में था, इसकी भुनाई का टाइम आ चुका है, तो अच्छे तरीके से भूनना है। और बस तकरीबन 5-10 मिनट पहले वो जो है इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देनी है जी। शिमला मिर्च कटी हुई है और अब देखें हमारा कीमा भी भुनाई इसकी अच्छे से हो चुकी है, तो अब ये शिमला मिर्च जो है विद हरी मिर्चें हम डालेंगे, और ये है कि अब ये इसको भूनेंगे हम थोड़ा 5 से 10 मिनट, ये बड़ा अच्छा सा बन जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा जी। वेयर्स इसका कलर आप चेक करें कितना प्यारा आ रहा है, तो ये कि बस इसको थोड़ा सा और मज़ीद भूनेंगे हम, और उसके बाद जो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और फिर इसको गर्मा गर्म आप चपाती के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ही जो स्पेशली जो शिमला मिर्च है उसका कलर आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत आला है। इसको आप यूज़ करें, बनाएं इसी तरह बनाएं ये इस रेसिपी को, आपको बहुत मज़ा आएगा, यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। गर्मा गर्म जो है शिमला मिर्च कीमा रेडी है,
और मैं इसको चपाती के साथ अब खाने वाली हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त है। फ्रेश चपाती प्लस गर्मा गर्म शिमला मिर्च कीमा।